कोई रोको ना इनको, ये सूरज से मिलने को निकली, कोई टोको ना, ये तो खुद अपनी मंजिल है। कुत्ते जितने बड़े मच्छर खा गए सारा मेरे को। क्या है क्या देख रहा है, खाएगा क्या है? सब तेरी वजह से हुआ है बेड़ा करके। गोलू कितने है मेरा गोलू, कहां बंद किया मेरे गोलू को? मैं मिसेस कलावती पल्ला, कितने है मेरा गोलू? गोलू राजीव पल्ला, कितने है मेरा गोलू? कांस्टेबल लेके जाओ उनको। अभी आ जाओ, मैं खाना लाई हूँ, चलो। मुझे भूख नहीं है। भूख क्यों नहीं है? क्या हुआ, तुम परेशान क्यों हो? सिमी माना हमारा यहाँ रहना अब भी जरूरी है। लेकिन इस तरह रोज खाना, मेरा मतलब है हम बाहर जाके नहीं खा सकते। मैं समझती हूँ अभी, लेकिन अगर मैं अभी माँ से जाके कुछ कहूंगी या हम उन्हें कुछ समझाने की कोशिश करेंगे तो माँ कुछ और ही मतलब निकाल लेंगी। अच्छा एक काम करते हैं, कुछ दिन में मैं माँ से बात करूंगी कि हम भी घर के खर्चे में अपना योगदान देंगे। वैसे भी बाहर तो हमारा खर्चा होता ही, तो ठीक है। हाँ और कम से कम ठीक है, और जल्दी मुझे भी जरूर मिलेगी, तुम्हें नौकरी जरूर मिलेगी अभी। चलो तुम खाना खा लो। मुँह खोलो। एक मिनट, तुमने खाया? वो मुझे अभी भूख नहीं है, तुम खा लो, मैं बाद में खा लूंगी। सिमी सुबह से तुमने भी कुछ नहीं खाया, प्लीज खा लो। से खा लूं अभी, पता नहीं अनुज ने कुछ खाया होगा अभी कि नहीं, माँ ने भी नहीं खाया, नहीं तो कैसे खा लूं? तो तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें इस तरह भूखा देखकर मैं खा सकता हूं? ऐसा कब तक चलेगा?
हमें अनुज को घर वापस लाना होगा। कभी कभी तो मैं हैरान हो जाता हूँ तुम्हें देखकर सुनी, कितना बड़ा दिल दिया भगवान ने अपने उसी भाई के लिए। तुम्हारे दिल में तुम्हें दर्द हो रहा है जिसने आपकी दवाई का टाइम हो गया। क्या हुआ? समझ गई, आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मैंने अपनी दवाई खा ली है, आप लीजिए। तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी ओम जय अम्बे गौरी। श्री अम्बे जी की आरती जो कोई। कितने दिनों बाद सिमी कहने से इस घर में सुबह सुबह आरती सुनाई दी है। सिमी सच में इस घर के लिए ईश्वर का प्रसाद है। कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे ओम जय अम्बे गौरी। नीतू माँ, पापा जी आज आपको अभी को आशीर्वाद देना है। सिमी पापा जी कैसे हाथ उठाएंगे? माँ आप कोशिश करेंगे ना पापा जी अभी के लिए? अभी कोशिश कीजिए पापा जी, आप कर सकते हैं। अंकल जी आशीर्वाद दीजिए ना। दोनों हाथ से आशीर्वाद दीजिए अभी को। अंकल जी अपना हाथ उठाइए। अंकल जी, अंकल जी आप कर सकते हो। कोशिश कीजिए बाबा जी, आप उठा सकते हैं हाथ, आइए।
अभी को आशीर्वाद दीजिए, उठाने की कोशिश कीजिए। पापा जी आप उठा सकते हैं अपना हाथ। देखा माँ, पापा जी बहुत जल्द चलने भी लगेंगे, है ना पापा जी? बोलिए माता रानी की जय। नीतू, नीतू जल्दी कर, हमें अभी निकलना है वरना नकुल दफ्तर चला जाएगा। हाँ जी बेटा। तो अपने मैं तैयार हूँ, छोड़ा ये मुझे उस नर्क में। वैसे भी इस घर में तो सिर्फ आपके अपने ही रह सकते हैं ना। नीतू तू क्या पराई हो गई है? कल रात तूने खाना नहीं खाया ये सोचकर ना सिम्मी खाना खा सकी और ना मैं। कोई परायों के लिए ऐसा करता है क्या? देख बेटा, गुस्से से कभी कुछ नहीं मिलता। बल्कि जो अपने पास होता है वो भी पराया हो जाता है। नीतू प्लीज समझने की कोशिश कर, ओमी तुझसे बहुत प्यार करता है। माँ अभी और मैं भी चलेंगे आपके साथ। कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है। आज सुबह पापा जी ने मुझे इशारे में कहा कि मैं तेरे साथ चलूं। अगर तू पापा जी की बात टालना चाहती तो ठीक है, कह दे, नहीं जाऊंगी मैं। बैठ। ये दोनों भी आए? हम सब साथ इसलिए आए हैं क्योंकि मैंने सोचा मैं आपसे इसकी तरफ से माफी मांग लूंगी। हमारे परिवारों में
कड़वाहट आ गई है, लेकिन इसका असर हमारे बच्चों की शादी पर तो नहीं पड़ना चाहिए ना, इसीलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर इल्तिजा करती हूँ। मेरी माँ समान है, नीतू को एक मौका और दे दीजिए। नीतू, सॉरी दादी, मुझे माफ कर दीजिए। देख मंजू, इस उम्र में हमारे पास सिर्फ नकुल और ओमी ही हैं, और इन्हीं की खुशी में हमारी खुशी है। हमने तो सोचा था हमारे घर में बहू आएगी तो घर में खुशियां आ जाएंगी, लेकिन नीतू ने तो आकर दोनों लड़कों में दरार पैदा कर दी। माजी, दोबारा ऐसा नहीं होगा। नादी जी, इनसे कह दीजिए कि यहां से चले जाएं। हमें अपने घर में और तमाशा नहीं चाहिए। मैं वापस आ गई। मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं आपको देख के कितना खुश हूं। आपने बुलाया ना? थैंक यू तुझे। नकुल बेटा, तू इसे एक मौका और दे दे। दादी जी, अगर आप ऐसा ही चाहती हैं तो आप ऐसा ही कीजिए। थैंक यू दादी, थैंक यू। घरवाले तेरी जमानत का ऑर्डर लेकर आए हैं। सलाम, इसकी जमानत होगी मेरी नहीं हुई। ओ बल्ला, तू ही वारा, तेरी जमानत भी हो गई। तेरी सच है, हैं? एक मिनट, राज चल रहे हैं। इनको शुक्रिया करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे जमानत के कागजात ले आई हूं, सिर्फ तुम्हारे ही नहीं, राजीव भल्ला जी के भी। भल्ला की भी? ये झगड़ा बंद कीजिए और बेल के पेपर दीजिए। एक मिनट ठहरिए।
चल मेरे साथ अनुज। नहीं अनीता, मैं सिमी दी के साथ जाऊंगा। क्या तुम इनके साथ जाओगे? ये मत भूलो अनुज, आज तुम इनकी वजह से यहां हो। हाँ, क्योंकि गलती मेरी थी, मैंने गुनाह किया था और उसकी सजा मुझे मिलनी चाहिए थी। ये तो सिमी दी का बड़प्पन है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी इन्होंने मुझे माफ कर दिया। मैं इनके साथ ही जाऊंगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मैं तो बस चाहती हूं कि तू यहां से निकल जाए, तू बस अपने घर पहुंच जाए, फिर चाहे मैं जमानत दूं या नकुल सिंह डागर। ये मगरमच्छ के आंसू अपने पास ही रखिए आप, आपने ही इन्हें यहां पहुंचाया है। लाइए जमानत के पेपर दीजिए। लेकिन ये तो सिर्फ राजीव भल्ला की जमानत के पेपर्स हैं। इसमें अनुज का नाम तो है नहीं। जिसकी जमानत कराई है उसी के पेपर्स होंगे। अच्छा ये लो पेपर साइन कर दो। थैंक यू। तुम इतने गिरे हुए और घटिया निकलोगे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने मुझसे वादा किया था ना कि तुम मनोज की बेल कराओगे। कमीने हो तुम। अब समझ में आया नहीं था? जो गेम तो दूसरों के साथ खेलती थी, एकदम वही गेम तेरे साथ भी खेल सकता कोई। यही लोग मिले थे भरोसा करने के लिए? अरे क्या बेइज्जती हो जाती तुम्हारी अगर मैं सिमी दी और अभी की जमानत में छूट जाता। लेकिन अफसोस, तुम कभी बदल ही नहीं सकती। खबरदार अनुज, अगर तुमने मुझे सही गलत सिखाने की कोशिश की तो ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया है और तुम मुझे ये सलाह दोगे? माफ कर दो मुझे, मैंने तुम्हें छुड़ाने की कोशिश की। भूल गई थी मैं कि जब तुम्हारी सती सावित्री सिमिदी है तो तुम्हें किसी और की क्या जरूरत। डागर साहब, थैंक यू। अब क्या यार अनुज, अच्छे कर्मों का फल ना अच्छा ही होता है, पर तेरी किस्मत में ना यहीं पे रातें काटनी अभी लिखी हैं, हैं? चले जी आइए।
चिंता मत करना, मैं माँ से बात करूंगी। वो तेरी कंप्लेन वापस ले लेगी। तो चिंता मत कर। हाँ नहीं दी, मुझे छुड़ाने की कोशिश मत करो। मेरे गुनाहों की सजा यही है दी, कि जेल के किसी अंधेरे कोने में मैं पड़ा रहूं और मुंह छुपाकर रोता रहूं। सुमन बोल, मैंने जो आप सबके साथ किया है और खासकर पापा जी के साथ, उसकी मुझे माफी नहीं मिलनी चाहिए। सिमी थी,